ये डाले हैं देखिए। तो यहाँ आज ही आपको ढोकला भी खाने को मिलेगा, वड़ा भी मिलेगा, समोसे, इडली। ये दाल वड़ा है यहाँ पे, ये कैसे पीस रहता है? 30 रुपए। अच्छा 30 रुपए, 15 रुपए का एक। कैसा लग रहा है भैया टेस्ट? बढ़िया एकदम। गजब। गाजियाबाद से आया हूँ। अच्छा गाजियाबाद से आए हो। तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल सबके। अभी मैं हूँ जी बनारस में। मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि मैं बनारस के किस गली में हूँ, किस गलियारे में हूँ, ठीक है? ये मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में। और इस वीडियो के अंदर भाई साहब हम कैप्चर करने वाले हैं यहाँ का स्ट्रीट फूड, जो भाई साहब मस्त मस्त स्ट्रीट फूड आपको मिलेगा, पीछे आप देख भी रहे होंगे। तो चलिए यहाँ स्टार्टिंग से लेके एंड तक का सारा मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप अगर इस मार्केट में आएंगे तो आपको क्या क्या चीजें स्ट्रीट फूड खाने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो ये इधर तैयार हो रहा है जी डोसा, और ये चटनी वगैरह पूरी रखी हुई है। इसके अंदर वड़े डुबो रखे हैं, दिखाइए जरा खोल के। अच्छा ये सांभर है, वड़ा नहीं डाला हुआ अभी इसमें, रात वड़े डाल रखे थे। रात आया था मैं यहीं पे टेस्ट करके गया था। ये डाले हैं देखिए। कैसे कैसे रहता है भैया? 21 रुपया। और डोसे का प्लेट कैसे रहता है? 50 रुपए का। तो यहाँ जी आपको ढोकला भी खाने को मिलेगा, वड़ा भी मिलेगा, समोसे, इडली, और इसको क्या लता क्या कहते हैं भैया? लौंग लता। तो ये लौंग लता होती है जी, और बिहार के अंदर बड़ी फेमस होती है, मतलब फेमस डिश होती है बिहार के स्वीट वाली, है ना? तो इधर मसाला डोसा अभी भैया कर रहे हैं तैयार, सिंपल डोसा। मैं इससे पहले एक मार्केट में रात को मैं घूमने आया था, तो यहीं पे मैंने डोसा और वड़ा ट्राई किया था, नज़ारेदार था। और 50 रुपए में आपको डोसा खाने को मिलेगा जी, वो भी मसाला डोसा। तो और क्या चाहिए बताइए आपको? अपना पनीर भी डाला भैया ने, थोड़ा थोड़ा सा पनीर, मसाला डोसे पे। क्या बात है, डोसा भाई साहब मसाला डोसा तो दबा दब कर रहा है सिस्टम। और ये भी रेडी है ना, गर्मा गर्म। बड़ा नहीं है, क्या क्या कहते हैं अंकल इसको, क्या चीज है ये? दाल वड़ा। ये जी दाल वड़ा है यहाँ पे, ये कैसे पीस रहता है? 30 रुपए। अच्छा 30 रुपए, 15 रुपए का एक। क्या बात है, इसको दाल वड़ा कहते हैं जी। बाकी इडली वगैरह सारी चलती रहती है, सिस्टम बनता रहता है, है ना? तो यार इधर ज्यादा दुकानें वैसे अंकल साउथ इंडियन है, है ना? ऐसा क्यों? अच्छा ज्यादा आते हैं इसलिए। चलिए जी एक स्लॉट तो जा रहा है अंदर, बढ़िया बढ़िया। आगे धनिया धनिया वाली चटनी, पालक 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 की चटनी है, क्या बात। और बाल्टी के अंदर ये सिस्टम पूरा बना के रखा हुआ है जी इन्होंने, बढ़िया। और इधर जी आपको मिलेगी लस्सी भंडार, कृष्णा लस्सी भंडार, है ना? लस्सी वगैरह बढ़िया तरीके वाली, बिल्कुल फेंट के आपके सामने दही की लस्सी बनाई जाएगी फेंट के, है ना? कैसे गिलास रहते हैं भैया? 50 रुपए का एक। इसमें कितनी ग्राम आ जाते होगी इसमें? तो ये जी आपको 50 रुपए का एक मिलेगा, ऐसा कुल्हड़ मिलेगा, और 50 रुपए में 250 ग्राम आपको दही मिलेगी रड़क के, बढ़िया मीठी। जितना आप मीठा चाहें उतना मीठा डाल सकते हैं, आप गलवा सकते हैं, है ना? उसी के हिसाब से फिर चीजें बनती रहेंगी। ये मार्केट पूरी आगे तक मार्केट है जी, पूरी मार्केट में आपको दिखाने वाला हूँ, है ना? तो अभी तो जस्ट मैंने स्टार्टिंग की है, तो वीडियो में बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को।
और इधर ये भैया शायद ये झारमुड़ी लगा के खड़े हैं। इसको झारमुड़ी कहते हैं भैया ना? हाँ। अच्छा कैसे प्लेट लगाते हो? 20 रुपए का। क्या बात है। अच्छा इसमें क्या क्या डालते हो भला? ये हो गए चना, बादाम और नमकीन। अच्छा यहाँ मूंगफली को बादाम कहते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा पर इधर ज्यादा बादाम ही कहते हैं ना मूंगफली को। बहुत बढ़िया। तो अभी हम आए हैं जी ये माँ शारदा भोजनालय, शुद्ध शाकाहारी भोजन है ना। तो ये भैया शायद यहाँ पे ये मोमोज हैं, ये फ्राइड मोमोज रखे हुए हैं, ये मोमोज हैं। ओहो हो क्या बात है। मतलब मिक्स मिलेंगे, वेज मिलेंगे और कौन सा है? मिक्स और वेज। तो ये मोमोज हैं भाई साहब, ये फ्राइड इनके शायद एक क्रंची मोमोज, कुरकुरे मोमोज जिसको कह सकते हैं। ओहो रेड चटनी, क्या बात है। तो देखिए जी, अगर दिल्ली से आके आप काशी आके अपने मोमोज वगैरह को मिस कर रहे हो ना, तो भाई साहब मोमोज आप यहाँ पे आके खा सकते हो। इन्होंने अपना नाम यहाँ पे लिखा बता रखा है जी, स्पाइसी मोमोज। मिक्स वेज मोमोज मिलेंगे, वेज मोमोज मिलेंगे, पनीर क्रंची और फ्राई मोमोज है ना। बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है भैया टेस्ट? बढ़िया एकदम। गजब। गाजियाबाद से आया हूँ। अच्छा गाजियाबाद से आए हो, यहाँ आके मोमोज मिस करते हैं लोग है ना। बहुत बढ़िया। इधर ना एक चीज मैं आपको बता दूं जी, साउथ इंडियन फूड आपको ना बहुत ज्यादा मिलने वाला है। इडली मिलने वाली है, सांबर वगैरह मिलने वाला है और वड़े मिलने वाले हैं ना। तो हर एक चीज मतलब साउथ इंडियन की, मतलब मैंने अब तक देखे ना 30-30 स्टॉल है यहाँ पे स्टार्टिंग से अब तक मैं जैसे यहाँ पे आया हूँ। तो भाई साहब इडली वगैरह मिलेगी आपको बढ़िया, और ये अपना चलता रहता है इसका इडली करने का। कैसा लग रहा है टेस्ट भैया? बढ़िया बढ़िया लग रहा है। तो टेस्ट तो जी देखिए कॉम्प्रोमाइज नहीं है। कहते हैं ना कि अगर बनारस आ रहे हो तो भाई साहब टेस्ट तो भयंकर मिलने वाला है आप लोगों को। ऐसे इधर देखिए, ये भी रियल मैजिक है। और यहाँ पे भी वही अपना मेदू वड़ा हो गया ना, ये दाल का वड़ा हो गया, और ये इडली हो गई, और डोसा वगैरह जो है चलता रहता है। और यहाँ पे भी देखिए पूरा डोसे का सिस्टम बना रखा है। कैसे है भैया डोसा? 50 रुपये, वही सेम प्राइस है जी डोसे का, जो भी है 50 रुपये आपको खाने को मिलेगा। और वो आप अपने तरीके से इसको कस्टमाइज भी करा सकते हैं कि भाई आपने मसाला डलवाना है नहीं डलवाना ना। सिंपल वही अपना सिंपल वाला डोसा हो गया, सिंपल दूसरा मसाला डोसा हो गया। चलिए जी हो गया ये पैक तैयार उधर, और ऐसे ही डोसा बनता रहेगा और लोग आते रहेंगे डोसा खाते रहेंगे।